हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष की चिटफंड कंपनी और सोसाइटियां और न जाने कितने ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेशक 6 नवम्बर को दिल्ली में एक महाधरना किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पूरे भारतवर्ष की पीड़ित निवेशकों को आह्वान किया गया था वहाँ पर अपने अपने बैनर तले, अपनी अपनी कंपनियों के, अपनी सोसाइटियों के बैनर तले वहाँ पर उपस्थित हो। तो दोस्तों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी निवेशक वहाँ पर भारी संख्या में मौजूद थे। तो दोस्तों, उनके लिए एक नई खबर हम आपके लिए लेकर आए। आदर्श क्रेडिट निवेशकों ने मोदी जी को 6 नवम्बर को करा घेराव, फिर क्या हुआ आदेश। जी हाँ दोस्तों, आगे यूनाइटेड कॉमा लिखते हैं, बड़े दुख की बात है कि पीएम मोदी जी चिटफंड कंपनियों की लूट को बंद करने की आड़ में गरीब निवेशकों को करोड़ों अरबों रुपया सरकारी विभाग को आगे डालकर गबन कर लिया गया है। सरकारी विभागों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देश की सोसाइटियों और चिटफंड कारोबारी कंपनियों के पैसे पर सरकारी लूट कराई गई, जिसमें 15 करोड़ से ज़्यादा निवेशक भारत वर्ष के प्रभावित हैं। निरंतर 8 साल से अपने पैसे को लेकर पीएम मोदी जी से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी जी इस मैटर को बंद करना तो जानते थे, लेकिन आज गरीब निवेशकों का पैसे देने का टाइम पर उन्होंने मुंह फेर लिया। बड़े स्तर पर पीएम मोदी जी को अपने पैसे को लेकर बात करने के लिए 2 महीने पहले कंपनियों के प्रतिनिधित्व से मुलाकात करने का अपॉइंटमेंट मांगा गया था, लेकिन मोदी कार्यालय की तरफ से उनके लिए कोई नोटिस नहीं भेजा गया। निवेशकों के संगठनों द्वारा पीएम मोदी ऑफिस पर भेजे गए नोटिस में यह साफ लिखा था, अगर आपने हमारे प्रतिनिधित्व दल से बात नहीं की तो 6 नवंबर को दिल्ली आपके कार्यालय का घेराव करेंगे और अपने पैसे को राजतंत्र में लूटने नहीं देंगे या प्रजातंत्र का शोषण नहीं होने देंगे। हमारे खून पसीने की कमाई सरकार ऐसे कैसे लेकर बैठ सकती है, हम अपना पैसा लेकर रहेंगे। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें मोदी जी के समक्ष रखनी थी जिन्हें पहले ही उन्हें अवगत करा दिया गया था। दोस्तों, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत पीएम मोदी जी गुफा वाले बाबा अपनी जिम्मेदारियों से हटकर 5 नवंबर की रात को हिमाचल की पहाड़ियों की गुफाओं में जाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए मोदी जी के हिमाचल चले गए, जबकि हम जानते हैं कि 15 करोड़ निवेशकों को की पीड़ा को इग्नोर करते हुए बिना किसी मतलब के हिमाचल जाने का क्या मकसद हो सकता है। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि गुफा वाले बाबा मोदी जी प्रजातंत्र को राजतंत्र की लूट में बदल गए हैं, अतः हम पैसे मिलने की उम्मीद को हम छोड़ने वाले नहीं हैं और बराबर बुलंद आवाज़ करते रहेंगे, धरने देते रहेंगे और अपना पैसा इस सरकार से लेकर रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि दोस्तों, इस वक्त 6 नवंबर को जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाखों करोड़ों निवेशक हैं उनके पर्पस में ये बहुत बड़ी एक 6 नवंबर की तैयारी की गई थी, जिसमें सभी चिटफंड के पीड़ित निवेशक वहां पर उपस्थित हुए थे। लेकिन दोस्तों, मोदी जी वहां पर नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए दोस्तों? क्योंकि वह जानते थे कि 6 नवंबर को एक बहुत बड़ा चिटफंडियों का हमला मेरे कार्यालय पर होने वाला है, मेरा घेराव होने वाला है। उस घेराव से बचने के लिए दोस्तों, ये हिमालय पर्वत की चोटियों पर जहाँ दोस्तों हिमाचल पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टरों को संबोधित किया, उनकी सराहना की, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि छोटे इन्वेस्टरों की तो यहाँ पर क्या हालात हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं तो उन लोगों को संबोधित करने वहाँ पर पहुँच गया और उनको प्रोत्साहन करने पहुँच गया और उनको बताने पहुँच गया कि किस तरीके से फ़ायदे होते हैं कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों ना जाने किन किन का रोना लेकर वहाँ पर बैठे, अपने निवेशकों को यहाँ पर इग्नोर कर गए। जो दोस्तों, एक ही कंपनी के 6 करोड़ 85 लाख पल्स कंपनी के और ना जाने कितनी ऐसी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को यहाँ पर धोखा देकर चले गए। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल